हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार एक्सपेरिमेंट जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र NaOH है, और यह एक उच्च क्वालिटी वाला छार है। और हम लेकर आए हैं साथ ही साथ कैमल की फाउंटेन पेन। इसके बारे में आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी क्योंकि सब जानते हैं इस चीज को। तो चलिए हम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, आइए। तो दोस्तों, हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको एक्सराइट और सफेद हाइड्राइड भी बोलते हैं। आज हम इसके साथ करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट। हमारे पास है फाउंटेन इंक। ये फाउंटेन इंक सभी को पता है, स्कूल में इसको काम में लिया जाता है। पेन में जो स्याही भरी जाती है ये वही स्याही है। हम दो बूंद इसकी इसके अंदर डालते हैं। ये कटोरी भी गर्म हो रही है धीरे धीरे, आप इसको देख सकते हैं। मेरे हाथों हाथ चीखने हो गए हैं मेरे। कटोरी भी खतरनाक तरीके से गर्म हो रही है, वाष्प निकल रही है इसके अंदर से। तो इसका रंग बिल्कुल चेंज हो गया है, ऐसा लगता है कि फिल्मों में जो खून यूज किया जाता है वो यही है। पर मेरे हिसाब से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये एक केमिकल रिएक्शन है। हम इसको थोड़ा सा यहाँ से पोंछ देते हैं क्योंकि देखिए टेबल खराब होने लगी है। अब दोस्तों देखते हैं इसके अंदर पानी डालने पर क्या रिएक्शन होता है। चलिए, हमारे पास पानी उपलब्ध है, हम दो बूंद पानी की डालते हैं। थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालते हैं। ओहो, देखिए दोस्तों देखिए, थोड़ा सा पानी डालते ही इसका लाल रंग से वापस ब्लू रंग हो गया है। ये देखिए, ये वापस ब्लू रंग में आ गई है, अपने अपने वास्तविक रंग में आ चुका है ये केमिकल रिएक्शन। और कटोरी अभी भी गर्म है, मैं ऐसे थोड़ा इसको कंट्रोल कर सकता हूँ पर बहुत ज़्यादा देर नहीं रख सकता क्योंकि ये कटोरी बहुत ही गर्म हो गई है। मुझे इसको रखना पड़ेगा और मेरे हाथ बहुत जलने लगे हैं। देखिए ये रिएक्शन, आपको एक बात बता दूँ, ये रिएक्शन आप घर पर करने की कोशिश न करें क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। और बच्चों की पहुंच से दूर रखें ऐसी चीज़ों को। अपने घर में भी अगर आप लेकर आए तो ध्यान रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। और आप भी यूज करते टाइम इसको बड़ी सावधानी से यूज करें। और आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ब्लू कलर हो गया है वापस। इसको हम इंक की तरह काम ले सकते हैं। और दोस्तों, अब हम लेकर आए हैं बेकिंग सोडा जिसको घर में खाने के सोडे में यूज किया जाता है, खाने का सोडा भी बोलते हैं इसको। थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। हमने अभी जो पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया था उसके ऊपर एक और रिएक्शन करते हैं। इसका थोड़ा सा घोल हम लेते हैं, इसको वापस रख देते हैं। और हमारे पास है बेकिंग सोडा, ये इसके अंदर डालते हैं, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है या क्या रिएक्शन होता है। इसके अंदर डाल दिया है मैंने, लगभग 10 ग्राम मैंने इसके अंदर डाला है। इसको वापस बंद कर देते हैं और चम्मच लेके इसको हिलाते हैं। ओ देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ही फेविक्विक की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये जम चुका है। बेकिंग सोडा स्टोन बन गया, इसका पत्थर बन गया है। देखिए, मैं इसको तोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। और ये ब्लू कलर अलग हो गया है और रेड कलर अलग हो गया है, यानी कि बेकिंग सोडा इसके अंदर डालते ही दोनों का कलर को ये अलग अलग कर देगा। ये देखिए दोस्तों, पूरी तरह फेविक्विक एक तरह से जैसे होता है वैसे काम कर रहा है। और ये गर्म भी है। ओ, मेरा हाथ जल गया, ये गर्म भी है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं कांच का ग्लास फूट ना जाए। आप ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि नुकसान हो सकता है आपको।